उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल वन अधिकारी और कर्मचारियों को जर्मनी से आए फायर विशेषज्ञ ने बताया कि वनों को आग से कैसे बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जंगलों को आग से कैसे बचाया जाए, इस बाबत इंडो जर्मन फायर हाउस के बैनर तले 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त आयोजित कार्यशाला की शुरुआत 28 मई से हुई थी, जिसका गुरुवार को समापन किया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। भीषण गर्मी में जंगल तथा जंगल में रह रहे वन्य प्राणियों को आग से कैसे बचाया जाए, इस बाबत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वारा इंडो जर्मन फायर हाउस के बैनर तले कार्यशाला आयोजित की गई थी। उक्त कार्यशाला में जर्मनी से आए फायर विशेषज्ञ के द्वारा कार्यशाला में उपस्थित शहडोल, सतना, रीवा, उमरिया के वन विभाग के DFO एवं SDO को जंगलों को आग से बचाने की बारीकियां बताई। ये इंडो जर्मन बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कि फायर से रिलेटेड फायर मैनेजमेंट के संबंध में एक वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें हमारे आसपास के जिलों के सतना, कटनी, शहडोल, उमरिया और सभी के आसपास के जिलों से और DFOs और SDOs को बुलाया गया है। इसमें करीब 25 पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं और ये लगातार अभी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी इससे पहले सतपुड़ा में पचमढ़ी में भी हुआ था ये कार्यक्रम, वहाँ उस तरफ के क्षेत्र के लिए और यहाँ भी शहडोल के लिए भी ये हुआ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और इसका उद्देश्य मैंने यही कि वनों में आग से बचाव के लिए क्या कारण, किस तरीके से प्रयत्न करना चाहिए, आग लगने से क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से बचाव के तरीके होना चाहिए, कैसे गाँव वालों को हम अवेयर कर सकते हैं इस संबंध में, वो सब चीज़ों को लेकर के इसमें प्रशिक्षण में दिया। और इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो जर्मन के हैं और उन्होंने इसमें फायर इकोलॉजी में PhD की हुई है, वो इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, क्या कुछ एम है आपके द्वारा जो आयोजित कार्यशाला चल रही है? इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि फायर को कैसे कैसे मैनेज किया जाए। जंगलों में आग लगना बहुत सदियों पुराना परंपरा रही है और हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसको टोटली रेडिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फायर को मैनेज करते हुए हम अपने जंगलों को कैसे कैसे सुरक्षित रख सकें। फायर जो है एक अच्छा टूल है, माध्यम है अपने जंगलों को मैनेज करने का। यदि ये अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक जो रूप धारण कर लेता है तो उससे बहुत जंगल जो है साफ हो जाते हैं, यहाँ की इकोलॉजी ख़राब हो जाती है, फ्लोरा फौना और सभी जानवर प्रभावित होते हैं। इससे बेहतर है कि इसको एक मैनेजमेंट टूल के रूप में हम लोग यूज़ करें और समय रहते रहते जो है फायर लाइन कटाई कराएं, किस तरह से जो है अपने लोगों को JFM कमेटीज को जो है फायर आग को बुझाने में अपने अपने समय समय पे जो है उनका प्रशिक्षण कराएं और उनके साथ जुड़ के आग को बुझाने में समय समय पर काबू करें। धन्यवाद सर।